के बावजूद अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका क्या कारण होता है? अगर आप घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप पैनिक ना होए, क्योंकि होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट लगभग 95% तक ही सही रिजल्ट बताती है। एक नॉर्मल पीरियड साइकिल 25 से 35 दिन तक का होता है और अगर इससे ज्यादा दिन हो जाते हैं तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन अगर आप कंसीव करने का ट्राई ही नहीं कर रहे हैं और फिर अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो गई है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मेडिकेशन, अगर आप काफी लंबे समय से बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं तो फिर आपका मंथली साइकिल इररेगुलर हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आप थायराइड, एंटी डिप्रेसेंट्स, ब्लड प्रेशर या फिर किसी भी एलर्जी को ठीक करने की मेडिकेशंस ले रहे हैं तब उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं। हाई स्ट्रेस, आजकल के मॉडर्न और फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल को मैचअप करना और वर्क लाइफ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादातर अडल्ट्स को स्ट्रेस हो ही जाता है। इसका असर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी पड़ने लग जाता है, क्योंकि कई बार एक्सेस स्ट्रेस के चक्कर में लोग अल्कोहल या फिर स्मोकिंग पर निर्भर होने लग जाते हैं। अगर काम की वजह से आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ जाता है तब भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं या फिर कई बार पीरियड्स मिस भी हो सकते हैं। पुअर स्लीप साइकिल, बैड ईटिंग हैबिट्स, पुअर लाइफस्टाइल और वर्क स्ट्रेस के कारण आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है और आपके पीरियड्स मिस या डिले हो जाते हैं। 8 आवर्स की नींद आपकी बॉडी और माइंड के लिए बहुत जरूरी होती है। गेनिंग वेट और लूजिंग वेट, गलत खान पान से बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लेना या फिर एक्सेस ऑफ डाइटिंग करके वेट लूज कर लेने से हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसका असर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पड़ता है। हमेशा हेल्दी तरीके से ही वेट लॉस ऑप्शंस चुनें, क्योंकि स्टार्विंग करने से या फिर क्रैश डाइटिंग करने से बॉडी में मिनरल्स और विटामिंस की कमी आ जाती है और हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। एक्सेसिव एक्सरसाइज, हेल्दी फिट और एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सेस वर्कआउट करना आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर असर डाल सकता है, इसलिए आप अपना वर्कआउट रेजीम 30-45 मिनट्स तक का ही रखें और एक सर्टिफाइड ट्रेनर की गाइडेंस में ही करें। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन डेवलप होता है और कई बार इसके इंक्रीज हो जाने पर आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। ऐसे में घबराए नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने पर आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं। मेडिकल कंडीशंस, वैसे तो हर बॉडी टाइप डिफरेंट होता है, लेकिन अगर किसी लेडी को थायराइड, डायबिटीज या फिर PCOS है तो पीरियड्स इरेगुलर होना एक आम बात है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स 90 डेज तक नहीं आते और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है तो आप तुरंत अपनी गायनी से मिले। कई बार कैंसर पेशेंट्स की कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। लो हार्मोन लेवल्स, कई बार कंसीव करने के बाद भी प्रेगनेंसी रिजल्ट नेगेटिव आता है और ऐसा तभी होता है जब शरीर में हार्मोन ठीक से बढ़ता है। ऐसी हालत में डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। ईटिंग हैबिट्स, अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट को छोड़कर जंक फूड, रेस्टोरेंट फूड, स्ट्रीट फूड, ऑयली फूड या फिर स्पाइसी फूड खाते हैं तो इसका असर आपके हॉर्मोन्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। फैमिली प्लानिंग, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को इंटेंशनली बर्थ कंट्रोल मेथड्स के सहारे कंट्रोल करती हैं तो इसका असर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी पड़ता है। आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है और आपको इररेगुलर पीरियड्स होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये एक बहुत ही रेयर लेकिन डेंजरस कंडीशन है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है और पीरियड्स भी मिस हो चुके हैं लेकिन फिर भी आपको सेवियर पेन है आपके लोअर एब्डोमेन या फिर एब्डोमेन के एक साइड पर, डिजीनेस, स्पॉटिंग, सेवियर नोशिया और वॉमिटिंग है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे में अपने डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। अगर आप कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसे कि IVF या IUA करवा रहे हैं तब भी कई बार आपकी मंथली साइकिल इरेगुलर हो जाती है। मिस्ड पीरियड्स विद डिस्चार्ज, अगर मिस्ड पीरियड्स के साथ आपको वजाइना डिस्चार्ज होता है तो हो सकता है कि आपको PCOS, डिलेड ओव्यूलेशन या फिर हार्मोनल बर्थ कंट्रोल की प्रॉब्लम हो। मिस्ड पीरियड्स विद क्रैम्प्स, अगर मिस्ड
पीरियड्स होने के बावजूद आपके एब्डोमेन और पेल्विक एरिया में पेन होता है तो आपको यूट्रेन फिब्रॉइड पीसीओएस या फिर डिलेड ओव्यूलेशन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे थ्रू एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।